अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो तो आपने देखा होगा टाइटल में, दैट इज़ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो अगर हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करना है तो उससे पहले हमें एक टर्म डिस्कस करना होगा, दैट इज़ द मोमेंटम। क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पहले हमें पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम समझने के लिए पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक, हम डिस्कस करेंगे पहले दैट इज द मोमेंटम, मोमेंटम, क्योंकि हमें न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ना है तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द मोमेंटम। मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्रिकेट बॉल है और एक टेनिस बॉल है, और एक टेनिस बॉल है। अब एक हम काम करते हैं, ठीक है, इनको हम थ्रो करते हैं, ठीक है, थ्रो करेंगे, ठीक है, विद सेम स्पीड थ्रो करेंगे इन दोनों को, ठीक है, विद सेम स्पीड, विद सेम स्पीड, ठीक है। तो जो ही हम थ्रो करेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर हमें उनको रोकना होगा, अगर हमें इनको रोकना होगा तो ज्यादा फोर्स किस पे अप्लाई हो जाएगा स्टॉप करने में? ऑब्वियसली क्रिकेट बॉल पे, क्रिकेट बॉल पे ज्यादा फोर्स, इस पे ज्यादा फोर्स अप्लाई हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस बॉल, टेनिस बॉल। अब क्यों इस पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है एज कंपेयर टू टेनिस बॉल, ठीक है। इसका मास क्या है? कम है। किससे? क्रिकेट बॉल से, ठीक है। तो आ गया ये, सो दैट मीन्स क्रिकेट बॉल में ज्यादा मोमेंटम होगा एज कंपेयर टू टेनिस बॉल से, ठीक है। नाउ वी विल कंसिडर अगेन, सो फर्स्टली हमें यहां से ये पता चला कि मोमेंटम डिपेंडेंस ऑन मास। सो जिसका ज्यादा मोमेंटम होगा, जिसका ज्यादा मोमेंटम होगा तो दैट मीन्स उसमें ज्यादा मास भी होगा। सो जिसका ज्यादा मास होगा उसका ज्यादा मोमेंटम होगा। सो आई कैन राइट हियर दैट मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो आ गया ये फर्स्ट, ठीक है। नाउ अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, मैं ये जो क्रिकेट बॉल था, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ये क्रिकेट बॉल थी, एक काम करते हैं, ये जो क्रिकेट बॉल है, अब हम दो क्रिकेट बॉल लेंगे, ठीक है, दो क्रिकेट बॉल जिनका मास सेम होगा। फॉर एग्जांपल इसका भी कुछ मास रखेंगे, ठीक है, और इसका भी मास रखेंगे कुछ, ठीक है। दोनों का मास अब सेम है, सेम मासेस, सेम मासेस। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को हम थ्रो करते हैं, इन दोनों को हम थ्रो करते हैं, दोनों का मास अब सेम है, दोनों का मास अब सेम है। अब एक काम करते हैं, इस बॉल की, इस बॉल की और इस बॉल की जो मास है वो सेम है। एक काम करते हैं, इसकी, इसको हम थ्रो करते हैं, ठीक है, जो ही हम थ्रो करेंगे, ठीक है, बट याद रखना एक बॉल की हम वेलोसिटी ज्यादा रखेंगे, एक बॉल की हम अब वेलोसिटी कम रखेंगे, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल इसकी वेलोसिटी है ऐसे आप समझो 20 मीटर पर सेकंड, और इसकी 5 मीटर पर सेकंड विद डिफरेंट वेलोसिटीज। अब हम क्या ले रहे हैं? डिफरेंट वेलोसिटीज, ठीक है, जो ही हम फेंक रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इट विल बी फाउंड दैट जो इस पे फोर्स लगेगा रोकने में तो ज्यादा फोर्स लगेगा, क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा वेलोसिटी है, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस बॉल। क्यों? क्योंकि इसमें कम वेलोसिटी है, ठीक है। सो दैट मीन्स जो मोमेंटम है ये ऑल्सो डिपेंड करता है किस पे? वेलोसिटी पे भी, ठीक है। ये आप लोग ने खुद देखा, फॉर एग्जांपल जो मतलब बॉल ज्यादा फास्ट होती है उस पे हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है एज कंपेयर टू जिसका मतलब कम वेलोसिटी होगी, ठीक है। सो दैट मीन्स यहां से हमें और एक टर्म पता चली, दैट्स मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शाबाश वेलोसिटी, वेलोसिटी। सो दैट मीन्स अगर हम मोमेंटम डिस्कस करेंगे अब, तो मोमेंटम में हमें क्या देखने को मिल रहा है? कंबाइंड इफेक्ट, किस किस का? दैट्स द मास एंड वेलोसिटी। तो यहां से हम मोमेंटम की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। सो अगर हमें फॉर एग्जांपल अब मोमेंटम की डेफिनेशन लिखनी होगी, सो अब हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ठीक। तो यहां पे मैं मोमेंटम की डेफिनेशन लिखूंगा,
मोमेंटम, आप चाहे इसको लीनियर मोमेंटम भी बोल सकते हो, ठीक है। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास, एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट इज वेलोसिटी, एंड इट इज वेलोसिटी। सो आप लोग ने अभी देखा मतलब कैसे मास पे भी डिपेंड करता है और कैसे वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो आई कैन ऑल्सो राइट हियर फॉर एग्जाम्पल इन केस अगर हम मोमेंटम की बात करेंगे, मोमेंटम हम डिनोट करते हैं एक लेटर से, दैट्स पी, ठीक है। सो मोमेंटम मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द डेफिनेशन दैट मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट इज वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। सो आई कैन ऑल्सो राइट, सिंस वी कैन राइट मोमेंटम एज इट कैन बी डिनोटेड विद पी, सो पी इज इक्वल टू मास, मास हम किससे डिनोट करते हैं, ओब्वियसली एम से, और वेलोसिटी वी से। सो यहाँ पे एक रिलेशन बन गई या इक्वेशन भी आप बोल सकते हो, दैट्स पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, ठीक है। सो अगर आप इन केस ये देखा गया है कि मैक्सिमम जो हम ये मोमेंटम देखते हैं ये किस में होता है, ज़्यादातर मूविंग बॉडी में, ठीक है। सो क्यों, फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ओब्वियसली जीरो होगी, क्यों, वो रेस्ट में है। तो उस हिसाब से फिर अगर हम मोमेंटम की बात करेंगे तो मोमेंटम भी क्या होगा, फिर जीरो। अब वो कैसे, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम मोमेंटम देखें, दैट्स एम इंटू वी, मोमेंटम मास तो है, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी क्या है, जीरो। सो पी इज इक्वल टू एम इंटू जीरो, दैट इज जीरो। सो मोमेंटम भी क्या निकला, ओब्वियसली जीरो ही निकला, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने देखा कैसे अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो अगर बॉडी मोशन में होगी तो ऑब्वियसली उसका तो मोमेंटम होगा। सो अगर बॉडी मूविंग में होगी तो उसका मोमेंटम डेफिनेटली होगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि मतलब उसका कितना ज्यादा मास होगा, उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, ठीक है, उन दोनों पे, इन दोनों मतलब पे मैक्सिमम ये डिपेंड करता है, ठीक है। सो नाउ इन केस इफ आई हैव टू राइट इट्स एसआई यूनिट, या फॉर एग्जांपल इसके पहले हम देखते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। अगर हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी में, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, वेक्टर क्वांटिटी ये क्यों है, फॉर एग्जांपल यहां पे वेलोसिटी आया, वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या है, उसका बोथ मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, ठीक है। सो जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा तो डायरेक्शन भी होगा, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, फिर वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स एसआई यूनिट। नाउ एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, अगर हम देखेंगे, दैट इज केजी मीटर पर सेकंड। अब ये कैसे आया, अब देख लो, फॉर एग्जांपल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मास का एसआई यूनिट क्या है, दैट्स केजी मल्टीप्लाई बाय, वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है, दैट्स मीटर पर सेकंड। सो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या निकलता है, दैट्स केजी मीटर पर सेकंड। सो ये है इसका एसआई यूनिट, ठीक है। नाउ अब हम एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल इस पे डिस्कस करता है, किस पे, मोमेंटम पे, ठीक है। सो नाउ लेट अस, अगर आपको लिखना है तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो, ठीक है। लेट्स लुक अ न्यूमेरिकल ऑन मोमेंटम, व्हाट इज द मोमेंटम, what is the momentum of a man
अ मैन ऑफ मास लेट्स टेक 60 kg, 60 kg, विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ लेट्स टेक इट 3 meter per second. सो वाई आई राइट हियर मीटर पर सेकेंड, बिकॉज ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड. सो वी हैव टू फाइंड मोमेंटम. हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा दैट मोमेंटम किसके बराबर होता है, जैसे मास इंटू वेलोसिटी, दोनों में दिया गया है, मास भी दिया गया है, वेलोसिटी भी दिया गया है यहाँ पे. सो हम इजिली निकाल सकते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी मतलब बॉडी का हमें मतलब मोमेंटम निकालना होगा तो इजिली हम मतलब निकाल सकते हैं. सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे मास, मास क्या है इसका, दैट इज 60 kg. 60 kg यहाँ पे ये चेंज करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर हम देखेंगे ऐसा यूनिट किसका, मोमेंटम का, दैट्स अ केजी मीटर पर सेकंड. ठीक है, सो हमें जो आंसर निकलेगा वो भी ऐसा यूनिट के हिसाब से निकलेगा, दैट्स अ केजी मीटर पर सेकंड. सो हम इसको ऐसे ही रखेंगे 60 kg. ठीक है, इसके बाद हमें क्या देखना है, दैट्स अ वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या है, दैट्स 3 meter per second. ठीक है, सो नाउ वी हैव टू फाइंड दैट्स अ मोमेंटम. मोमेंटम is equal to mass, as we know momentum is equal to mass into velocity. So I can write here momentum is equal to m into v. So momentum is equal to mass, kya hai yahan pe, that 60 kg multiply by velocity, kya hai, that is 3 meter per second. So I can write here that is 60 multiply by 3, 60 multiply by 3 into kg meter per second. So I can write here that p is equal to 60 into 3. 3 zeros are 0, 3 sixes are 18 kg meter per second. So ye nikla, kya nikla hamare paas, momentum kiska, us man ka jiska hame nikalna tha. To hum easily aise momentum nikal sakte hain. Theek hai, I hope aap logon ko samajh mein aaya hoga ki kaise hum momentum bhi nikal sakte hain. So I hope ki aap logon ko ye bhi samajh mein aaya ki momentum kya hota hai. Theek hai.